आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मुगलों की पसंदीदा रेसिपी है जो सदियों से चली आ रही है और वो है चिकन कोरमा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है चिकन कोरमा। ये रेसिपी बहुत रिच है और बहुत टेस्टी है। सो अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, पर मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे घी। ये लिए हैं मैंने 4 प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। घी मेल्ट हो चुका है, अब कटे हुए प्याज डालते हैं। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, इसे चला लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। वैसे तो ये प्याज खुले तेल में फ्राई होता है जैसे बरिस्ता बनता है, मैंने इसे थोड़े से घी में ही ब्राउन कर लिया है। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, गैस बंद करते हैं और अब वेट करते हैं जब तक प्याज ठंडे नहीं हो जाते। प्याज ठंडे हो चुके हैं, इसे हम मिक्सर में डालते हैं। साथ में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दही। चिकन कोरमा बनाते समय हम पानी बिल्कुल नहीं डालते हैं। दही थोड़ा और डालेंगे, 2 चम्मच और डालेंगे। गैस शुरू करते हैं, थोड़ा सा घी और डाल देंगे। अब अनियन पेस्ट को इसमें निकाल देंगे। आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर 3 चम्मच, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच भर के। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे चिकन, ये 1 चिकन है, करीबन 700 ग्राम है। साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। अब डालेंगे दही, दही हम करीबन पूरी 1 कटोरी डालेंगे इसमें। अब डालेंगे 4-5 कुटी हुई हरी इलायची, काली मिर्ची दरदरी कुटी हुई 1 चम्मच, 4-5 लवंग, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी दालचीनी, सब खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब डलेगा थोड़ा धनिया पत्ता, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो इसमें करीबन 1.5 से 2 कटोरी दही जाएगी, क्योंकि इसमें कोई पानी नहीं पड़ेगा, कोई टमाटर नहीं पड़ेगा। अब इसे 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे पकने के लिए रख देते हैं। पंद्रह मिनट हो चुके हैं,
चिकन पकते हुए। हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जाएंगे थोड़े कटे हुए लंबे अदरक के पीसेस, आधी चम्मच जायफल पाउडर, थोड़ी सी जावित्री, थोड़ा गरम मसाला पाउडर और ये है काजू की पेस्ट। ये हमने 10-12 काजू लेके इसकी पेस्ट बनाई है। धनिया पत्ता। अब इसे सर्व करते हैं। ये रहा मुगलों वाला चिकन कोरमा एकदम तैयार। इसे नान या पराठों के साथ एंजॉय कीजिए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे। मैं हूँ आपकी शेफ, आपकी होस्ट सीमा। पंजाबी डिशेस में बहुत सारी मशहूर डिशेस हैं, जैसे राजमा चावल, छोले चावल, छोले भटूरे, कढ़ी चावल। तो आज मैं आपको बताऊंगी पकौड़े वाली कढ़ी। अब शुरू करते हैं गैस, और सबसे पहले मैं डालूंगी तेल। आप तेल भी डाल सकते हैं, आप घी भी डाल सकते हैं। तेल गरम हो गया है, गैस आस्ते कर दीजिए। और अब हम डालेंगे हींग थोड़ी सी, एक चम्मच जीरा। इसमें डालेंगे अभी हम मेथी के दाने, एक चम्मच के करीब। फिर इसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्ची, इसको ऐसे तोड़ देंगे, 4-5 लौंग, 2 हरी मिर्च कटी हुई। अब इसमें जाएगा अदरक, अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ लहसुन, अदरक की मात्रा ज़्यादा और लहसुन उससे कम। अब ये मसाले को अच्छे से, अदरक लहसुन को लाल होने दें, तब तक हम अपना दही मिक्स करते हैं, एक बड़ी कटोरी। अब इसमें डालते हैं हम बेसन, बेसन की 3 भरी चमचें, और हम इसे अच्छे से विस्क कर लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्प्स नहीं हो। हमारा मसाला हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। इसमें करीबन 4 कप पानी तो आराम से जाता है, और साथ साथ में हम ऐड भी करते रहते हैं क्योंकि हमको ये कढ़ी को काढ़ना है और अच्छे से पकाना है, क्योंकि बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। एक चम्मच नमक, हल्दी, फिर इसमें जाएगी लाल मिर्च आधी चम्मच, अब आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ी ऑलरेडी कितनी थिक हो गई है, तो इसलिए हम इसमें और पानी डालेंगे और इसे आस्ते आंच पे पकने देंगे, क्योंकि कढ़ी को अच्छी तरह पकाना है, बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए, उसका खास ध्यान रखना है। अब इसको आस्ते आंच पर मैं पकने दूंगी 10-15 मिनट और तब तक मैं कढ़ी के पकौड़े तैयार कर लेती हूँ।
अब ये हमने 3-4 कटे प्याज लिए लंबे वाले और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक का। इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और 15-20 मिनट साइड में रख देंगे। तब तक हमने तेल कढ़ाई में डाल दिया है और उसे आस्ते आंच पे गरम करने के लिए रख दिया है। अब प्याज को 15 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें डालेंगे अभी हम हरी मिर्ची, अदरक, धनिया के दाने 1 टीस्पून, आधी चम्मच अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, थोड़ा सा दही। दही से पकौड़े सॉफ्ट बनेंगे। और अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें बेसन। इसे अभी हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। बेसन और डालेंगे। इसमें हल्का सा पानी का छींटा देंगे। हम कढ़ी को हिलाते रहेंगे क्योंकि ये बेसन की कढ़ी है, बेसन नीचे नहीं लगना चाहिए। अब हम अपने पकौड़े फ्राई करेंगे। अब देखिए हमारे पकोड़े अच्छे से लाल हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप देखिए कि आपकी ये कढ़ी अच्छी और गाढ़ी बन गई है, पर फिर भी इसे हम थोड़ा और पका ही लेते हैं। हम थोड़ा और पानी डाल देते हैं इसमें। इससे तेज आंच पे एक बॉईल देके फिर आस्ते पे रख देते हैं। ये 2 प्याज मीडियम साइज के लंबे कटे हुए। इसे बहुत लाल नहीं करना है। अब हमारी कढ़ी तैयार है। प्याज हल्की आंच पे होते रहेंगे और अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। इसमें डालेंगे धनिया, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे पकौड़े। ये हो गए आपके प्याज तैयार। इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। सो ये रही हमारी पकौड़े वाली कढ़ी तैयार। आप रुके किस लिए हैं? जाइए किचन में और बनाइए पंजाबी पकौड़े वाली कढ़ी और हमें खबर कीजिए कि कैसे बनी। आज हम बनाने लगे हैं पनीर की एक और वैरायटी और वो है रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। ये मैंने लिया है 400 ग्राम पनीर और इसमें डालेंगे करीब 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी, 1/2 नींबू का रस। इसे हल्के से टॉस कर लेंगे। इसे हम 1/2 घंटे करीब मैरिनेशन के लिए रख देंगे। जब तक हमारा पनीर मैरिनेट होता है हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। ये लिया है मैंने 3 टेबलस्पून अखा धनिया
और 2-3 सूखी लाल मिर्चें। इसे हम आस्ते आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस बंद करते हैं। मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसका कलर भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल के और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गैस शुरू करते हैं। इसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल। पनीर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब हम पनीर को फ्राई करेंगे और गैस की आंच आस्ते रहेगी। पनीर हमारा अच्छा से शैलो फ्राई हो चुका है। और इसी तेल में हम अपने ग्रेवी का मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे जीरा, अदरक बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून बारीक लहसुन, 2 हरी मिर्चें। अच्छे से चला लेंगे। तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्ची के कुछ दाने, काजू, हरी इलायची 4-5 और 2 मोटी इलायची। एक बड़ा सा प्याज लंबा कटा हुआ, तीन टमाटर, इसे आस्ते आंच पे पकने देंगे 5-7 मिनट तक, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। जब तक हमारा मसाला पक रहा है, हम अपना धनिये का मसाला पीस लेते हैं। इसे हमने दरदरा ही पीसना है। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। गैस बंद करते हैं, मसाले को ठंडा होने तक वेट करते हैं। मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसे मिक्सी में पीसेंगे। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। अब ये मसाले को अच्छे से छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला का पूरा सत हमने निकाल लिया है। हमारी ग्रेवी अच्छी स्मूथ और सिल्की बनी है। वही पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे प्याज, साथ में ही डाल देंगे एक बड़ी शिमला मिर्ची। हाई फ्लेम पे इसे टॉस कर लेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। अब लेंगे एक फ्रेश कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गरम हो चुका है, गैस की आंच आस्ते करते हैं। इसमें हम डालते हैं 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, चुटकी भर हल्दी और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम डालेंगे अपनी ग्रेवी इसमें। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब डालेंगे ये जो मसाला हमने रोस्ट किया था, इसके 2 चम्मच डालेंगे इसमें। मसाले को अच्छी तरह 2-4 मिनट के लिए कुक होने देंगे। गैस की आंच आस्ते कर लेंगे। मसाला अच्छे से पक चुका है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम।
अगर क्रीम नहीं डालना तो थोड़ा सा दही डाल लीजिए। अब इसमें डलेगा शिमला मिर्ची और प्याज। अब इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसे 2 मिनट तक कुक होने देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी जिसे हम हाथ से मसल के डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ता। कढ़ाई पनीर तैयार। गैस को बंद करते हैं। ये रहा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर एकदम तैयार। इसे तंदूरी रोटी या परांठों के साथ खाइए और इसका मजा लीजिए। और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे। मैं हूँ आपकी शेफ, आपकी होस्ट सीमा। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल फ्राई। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है दाल फ्राई। अब हम अपना कुकर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप दाल। ये तुअर की दाल है जिसे हमने 15-20 मिनट के लिए भिगो के रखा है। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी। इसे अच्छे से हिला लेंगे और कुकर को बंद करके इसको 2 सीटी दे देंगे। जब तक हमारी दाल कुकर में बनती है, हम तब तक अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं तेल। आप तेल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, अब जाएगा कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी दाल पक चुकी है और मैं कुकर की गैस को बंद करती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे तड़के में हरी मिर्ची और अब इसमें जाएगा 1 कटा हुआ प्याज। अब हम डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। अब डालेंगे लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया 1 चम्मच, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्का सा पानी, अब हम डालेंगे थोड़ा सा कोथमीर। ये है हमारा तड़का एकदम तैयार। अब हम अपनी दाल को इसमें डालेंगे। अब लास्ट में डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्ची। अब हम अपना कुकर खोलेंगे। हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे तड़के में ट्रांसफर करते हैं। अब हम डालेंगे आखिर में थोड़ा गरम मसाला। इसे अच्छे से स्टर करेंगे। थोड़ा सा कोथमीर।
अब हमारी दाल एकदम तैयार है और अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी दाल फ्राई तैयार है, इसे ज़रूर बनाइए और हमें बताइए आपकी रेसिपी कैसे बनी। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को स्वाद अनुसार। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। हेलो, वेलकम टू स्वाद अनुसार। आज हम बनाने वाले हैं पंजाबियों की सबसे फेवरेट रेसिपी और वो है दम आलू। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा तेल। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, आप और भी कोई तेल यूज़ कर सकते हैं, पर सरसों के तेल से सब्जी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है। तब तक हम लेते हैं 500 ग्राम उबले हुए छोटे आलू। आलू को हमने अच्छी तरह छील लिया है और इसे हम छोटे छोटे प्रिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से अंदर चले जाए। हमारे आलू अच्छे से प्रिक हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। हल्का सा नमक डालना है, थोड़ी सी लाल मिर्ची, ताकि आलू अच्छे से फ्लेवरफुल रहें, नहीं तो मसाला अच्छा होता है और आलू फीके रह जाते हैं। थोड़ी सी हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे अपने पैन में डालेंगे। इन आलूओं को हम अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। हमारे आलू अच्छे से शैलो फ्राई हो चुके हैं, इनका रंग अच्छा सुनहरी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम अपने बाकी के आलू भी शैलो फ्राई कर लेंगे। हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे साइड में रखते हैं और अपने ग्रेवी की तैयारी करते हैं। हम इसी पैन में, जहाँ में थोड़ा सा तेल है, हम उसमें डालेंगे दो लंबे कटे हुए प्याज। उसमें हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 8-10 कली लहसुन की, थोड़ा सा अदरक, और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे बहुत लाल नहीं करना है, खाली थोड़ा हल्का सा पकाना है। इसमें डालेंगे हम एक हरी मिर्ची, और ये हमने काजू भिगो के रखा हुआ है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम अपनी गैस बंद करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसे एक ब्लेंडर में पीस लेंगे। हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी, हमारा प्याज अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हम अपने प्याज की पेस्ट को अच्छे से 4-5 मिनट तक भून लेंगे। अब हमारे प्याज अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 4 टमाटर की प्योरी, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और इसे अच्छे से चला लेंगे। एक चम्मच सूखा धनिया, एक चम्मच जीरा पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको आपकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं। अब हमारी ग्रेवी को अच्छा सा उबाल आ गया है, हम अपनी गैस की आंच थोड़ी धीमी करते हैं और इसमें डालते हैं एक कटोरी फेटा हुआ दही, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। दही डालने के बाद हमें इसे अच्छे से चला लेना चाहिए ताकि दही की फूटियाँ ना पड़ें इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू। इसे हम अब ढक के 5-7 मिनट तक उबालेंगे ताकि सारे मसाले हमारे आलू में अच्छे से मिल जाएं।
हमारे दम आलू एकदम तैयार हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और लास्ट में डालेंगे थोड़ा हरा धनिया। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम अपनी गैस बंद करते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये रहे हमारे पंजाबी दम आलू एकदम तैयार। इसे रोटी या कुलचे के साथ आप खा सकते हैं। इसे ज़रूर बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे। मैं आपकी होस्ट, आपकी शेफ सीमा। पंजाबी व्यंजनों की बात ही कुछ और है। वो मसाले, वो पनीर, वो मुर्गे, वो पराठे, वो लस्सी, वो मक्खन, इन्हीं में से एक ऑल टाइम फेवरेट है राजमा। राजमा हम बहुत ही आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आज बनाएं राजमा। 1.5 कप राजमा मैंने लिया है और इसको रात भर भिगोया है। अभी मैं इसको प्रेशर कुक करूंगी। अभी इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक। आप इसमें 3 कप पानी डाल सकते हैं और करीबन 20-25 मिनट में राजमा गल जाएंगे। और जितनी देर तक राजमा पकते हैं तब तक हम राजमा का मसाला तैयार कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम तेल, 2 चम्मच ठीक रहेगा। 3 मीडियम साइज प्याज। अब तेल गर्म होने पर मैं इसे इसमें डाल दूंगी। प्याज डालने के बाद इसमें मैं 2 हरी मिर्ची ऐसे ही तोड़ के डाल दूंगी और फिर इस प्याज को हमको उतना पकाना है कि ये लाल रंग का हो जाए। प्याज जल्दी से पक जाए तो इसलिए मैं डाल रही हूँ और 1 चम्मच नमक। तो अभी आप देखिए ये बहुत बढ़िया से लाल हो गया है। इससे ज़्यादा हमको लाल नहीं करना। तो अभी इसमें डालते हैं 2 चम्मच अदरक और लहसुन। और फिर हम इसे अच्छे से अदरक लहसुन को फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ। इसमें हम डालेंगे 4 टमाटर लंबे लंबे कटे हुए, 1 चम्मच लाल मिर्ची और फिर हम डाल लेते हैं इसमें हल्का सा पानी। अब टमाटर को पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। अभी हमारे राजमा बन चुके हैं इसलिए मैं गैस बंद करती हूँ। अभी देखिए ये अच्छे से ये मसाला हो गया है। पर अगर ये थोड़ा मसाला सूख जाए और आपको लगे कि ये बना नहीं है, आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया। धनिया वैसे लोग हमेशा ऊपर से डालते हैं, पर अगर हम थोड़ा डाल दें इसमें मसाले में तो इसकी फ्लेवरिंग बहुत अच्छी होती है। अब हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा सा कूल हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए। अब हमारा मसाला अच्छा ठंडा हो गया है, इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब इसमें हम डाल लेते हैं हल्का सा पानी ताकि ये अच्छे से पिस जाए। हम इसे वापस कढ़ाई में डाल देते हैं और हम इसे ये जो हमारे उबले हुए राजमा हैं इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और इसे एक बार फिर से सीटी दूंगी।
गल तो ये गया है, पर एक बार मसाला डालने के बाद जब हम सीटी देते हैं तो मसाला अच्छी तरह राजमा के साथ रिझ जाता है। आप एक सीटी दिलवा सकते हैं, एक सीटी दिलवा के उसको थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए आस्ते आंच पे भी रख सकते हैं। अब देखो हमारे राजमा अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के मसाले। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा, उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये है टमाटो केचप। अवल इसकी ज़रूरत नहीं है, पर मुझे सॉस डाल के राजमा बहुत अच्छे लगते हैं, एक टैंगी फ्लेवर आता है। अगर आप चाहो तो डालो, अगर आप नहीं चाहो तो नहीं भी डालो। इसको अच्छे से मिला लिया। अब हम इसे स्लो गैस पे रख देते हैं। अभी लास्ट में मुझे डालना है इसमें थोड़ी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को एक पैन में हल्का सा आस्ते आंच पे गरम कर लें और फिर उसको मसल के राजमा में डाल दीजिए। इसमें हम अभी डालते हैं थोड़ा सा धनिया। अब हमारे राजमा तैयार हैं। अब हम गैस बंद करते हैं और ये राजमा आप चावल के साथ खा सकते हैं, चाहो तो रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हो, पर वैसे ये चावल के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये राजमा की रेसिपी पसंद आई हो तो स्वाद अनुसार के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नवी रेसिपी के साथ।